नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं इंदौर में कांग्रेस की पार्षद श्रीमती रुबीना इकबाल खान। आपका स्वागत है मैडम हमारे स्टूडियो में। रुबीना खान जी वार्ड क्रमांक 42 से पार्षद हैं, जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में आता है। पिछले नगर निगम के चुनाव में आपने निर्दलीय रूप से खड़ी हुई थी, आप उम्मीदवार थी, और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को जितने वोट मिले थे उससे अधिक वोट आपको अकेले को मिले। करीब 3,500 के वोटों के अंतर से आप जीती और लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। श्रीमती रुबीना खान उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो कहते हैं कि महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं, राजनीति में पीछे हैं, आगे नहीं आना चाहती। रुबीना जी आपका स्वागत है। ये बताइए, आप विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से खुद विधानसभा की दावेदारी नहीं कर रही हैं और पंकज संघवी को सपोर्ट कर रही हैं, ऐसा क्यों? सर, आपसे किसने कहा कि मैं दावेदारी नहीं कर रही हूँ? पंकज संघवी हमारी पहली पसंद है। हम चाहते हैं कि पंकज संघवी जी विधायक बने, लेकिन अगर किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनके बाद जो सबसे सशक्त दावेदार है वो खुद मैं हूँ। और आपको बताइए कि मैंने 5 नंबर पार्षद का चुनाव जो है निर्दलीय जीता है, एक महिला हूँ, ओबीसी में भी आती हूँ। ये तीनों क्वालिटी जो है मेरे अंदर है और मैं अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझती और मैं उस लायक समझती हूँ कि मुझे भी विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। शेख अलीम साहब दावेदार है, अनवर दस्तक साहब दावेदार है, सरवर खान साहब दावेदार है, अनवर कादरी साहब दावेदार है और आप भी विधानसभा के दावेदार हैं। पिछले कई वर्षों से इंदौर में कांग्रेस ने किसी अल्पसंख्यक को विधानसभा का टिकट नहीं दिया, क्या कारण लगता है आपको? उसका एक ही कारण है कि जीत नहीं पाते मुस्लिम लोग। क्या होता है सर, जब भी किसी मुस्लिम को टिकट मिल जाता है तो वो हिंदू मुस्लिम हो जाता है एक एरिया में और इस वजह से एक मुसलमान नहीं जीत पाया। लेकिन अब ये कांग्रेस को अपनी सोच बदलना पड़ेगी और उन्हें देना चाहिए एक मुस्लिम को भी। इंदौर में 69 वार्ड हैं, जिसमें से 7 वार्ड पर कांग्रेस के मुस्लिम पार्षद जी। जब विधानसभा का चुनाव आता तो यही लोग आते हैं, कहते हैं हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। आखिर टिकट की दावेदारी कांग्रेस में क्यों करते हैं मुस्लिम वोटों के नाम पर? आप नेता हैं तो आप शहर की नेता बनिए ना, हिंदुओं की भी नेता बनिए, मुस्लिमों की भी नेता बनिए, सिखों की भी बनिए, ईसाई, केवल मुस्लिमों के नाम पर क्यों आप टिकट मांगते? सर, यहाँ मैं आपकी एक बात बताना चाहूंगी कि टिकट मांगने का हक तो हर किसी को है, लेकिन मुस्लिम है एक कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ मुसलमान वोट डालने के लिए है, है ना? टिकट मांगने के लिए उसकी हैसियत नहीं है। अगर वो टिकट मांगता तो कोई गलत नहीं करता है ना। मुसलमान अगर कांग्रेस को टिकट वोट देता है, दिल खोल के वोट देता है, तो टिकट मांगने का भी हक है उसको। गांधी भवन में पिछले दिनों जो घटना हुई जी, आपने खुलेआम कहा कि हम पंकज संघवी को सपोर्ट करते हैं अगर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से टिकट दिया जाता जी। इस पर एक नेता ने, एक अल्पसंख्यक नेता ने कहा कि आप अपशब्द कहे आपको, आपके बच्चों को, और ये कहा कि आप अपनी कौम से गद्दारी कर रहे हैं जी। तो क्या किसी हिंदू उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन देना कौम से गद्दारी? ये तो सर आप वो नेता को ही समझना चाहिए कि अगर एक हिंदू नेता का हमको हम प्रमोट करते हैं या उसे पसंद करते हैं या उसका नाम हम आगे कर रहे हैं तो ये किस तरह से कौम के लिए गद्दारी हो गई, है ना? हमने अब आपको मैं आप थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेरे पति जो इकबाल खान साहब हैं पिछले 35 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके जी, विधानसभा का चुनाव उन्होंने 89 में लड़ा था कैलाश जी के सामने और तब से लगातार वो कौम के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो अपना ये MG रोड की मस्जिद का मामला हो, वहां पर यू टर्न के लिए बहुत जद्दोजहद हुई थी और उन्होंने मस्जिद तोड़ना चाहता था प्रशासन, उस टाइम भी सबसे आगे जो खड़े थे तो इकबाल खान साहब थे। उसके बाद सिमी में के नाम पे लोगों को उठाया जा रहा था, परेशान करा जा रहा था, जो बड़े बिल्डर हैं पाकिजा वाले, नफीस वाले, इन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा था। उस टाइम भी जो आवाज उठाने वाले थे सिर्फ इकबाल खान साहब थे। उसके बाद चंदन नगर टंकी का मामला हो या खजराने टंकी का मामला हो, हर जगह किसी जगह पे भी इकबाल खान साहब ने पीठ नहीं दिखाई। जब दंगे हुए थे बाराफात के बहुत पहले, उस दंगों में जो लोग दंगे में मारे गए थे उनके लिए उन्होंने लड़ाई दिल्ली तक लड़ी, उसके लिए उन लोगों को अनुकंपा नौकरी दिलवाई, 3.5 लाख शासन से दिलवाया,
उसके बाद उन लोगों को एक वो घासलेट की जो टंकियां आती हैं वो बंटवाई। उसके बाद खजराने में दंगा हुआ, खजराने के दंगे में सबसे आगे इकबाल खान साहब खड़े रहे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इकबाल खान साहब ने पीठ दिखाई हो कौम के लिए, तो फिर कैसे वो कौम के गद्दार हो गए? क्या एक पंकज संघवी जी का नाम देने से वो कौम के गद्दार हो जाएंगे? खजराना के दंगे में वो सामने खड़े रहे, मतलब क्या सामने खजराने में दंगा करने वालों को भड़काया? नहीं नहीं, दंगा करने वालों को नहीं भड़काया उन्होंने। हाँ। जब वहां दंगा ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन ये आ गई थी कि जब वो डेड बॉडी आई थी तो वहां के लोग उसको दफनाने नहीं दे रहे थे, और उनका वो बहुत बड़ा दंगा हो जाता और कई लोग वहां मर जाते अगर वो उस टाइम में इकबाल खान साहब समझदारी से काम नहीं लेते। वो चारों तरफ से पुलिस थी, गोलियां चल रही थी, उसके साथ में उसके साये में ले जाके उन्होंने डेड बॉडी की अंतिम संस्कार करवाया उन्होंने। ये ऐसे बहुत सारे मामले में आपको गिनाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, यानी हर हर काम में वो खड़े रहे आगे के आगे। और उसके बाद फिर अगर कुछ इस तरह से लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं, शेख अलीम साहब ने कहा कि वो कौम के गद्दार हैं, तो शेख अलीम साहब मुझे यहाँ आके बताएं कि उन्होंने कौम के लिए क्या किया है। मैंने तो आपको अभी 10 चीजें गिनवा दी कितने काम किए हैं। शेख अलीम साहब के पास तो आप कहेंगे प्रवक्ता का पद था, है ना, और उनके पास इतना बड़ा माइक था जिसके जरिए वो मुसलमानों के लिए, क्या कांग्रेस के लिए, सबके लिए बहुत आवाज बुलंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि उन्हें वो चीज छीन ली गई उनसे, वो पोस्ट छीन ली गई। आप बताइए इस कार्यक्रम में पहले शेख अलीम साहब आ चुके हैं जी जी, और यही उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी दावेदारी बताई थी कि हम पिछले 20 साल से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं जी। किसी को भी टिकट मिलता हम तन मन धन से उसके लिए जुट जाते हैं। हाँ। तो इस बार हमारा हक बनता है कि हमें टिकट मिले। अगर शेख अलीम साहब को टिकट मिलता है छत्र क्रमांक 5 से और आपको नहीं मिलता, या पंकज भाई को नहीं मिलता, या शोभा ओझा जी को नहीं मिलता, तो क्या आप उनके लिए काम करेंगे या उनके पीठ में छुरा घोपेंगे? मैं आप एक स्टाम्प मंगा लीजिए यहाँ पे, मैं आपको लिख के देती हूँ कि आजाद नगर से ज्यादा वोट खजराने से मिलेंगे शेख अलीम साहब को। अगर शेख अलीम साहब को टिकट मिलता है तो मैं उनसे वादा करती हूँ, आपके सामने यहाँ सब पूरी न्यूज के सामने वादा करती हूँ कि उनसे आजाद नगर से ज्यादा वोट डालेंगे खजाने से, क्योंकि हमारी तो ऐसी सोच ही नहीं है ना, हमारी मेंटेलिटी कि किसी के पीठ में छुरा हुआ जाए। ये नहीं चाहते कि टिकट उनको मिले? नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि उनको नहीं मिले, ये नहीं बात नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि पंकज संघवी को मिले। पंकज संघवी को नहीं मिले? पंकज संघवी ने क्या काम किया आपके क्षेत्र में जो आपको इतना? अब मैं आपको बताऊं इसके दो रीजन है, पंकज संघवी को क्यों मिले इसके भी दो रीजन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमें उनकी किसी भी तरह की कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खजराना एक गरीब बस्ती है, उसमें 80% लोग मुस्लिम रहते हैं और गरीब तबके के रहते हैं, और सारे काम जन सहयोग के बगैर नहीं होते। अब उस टाइम पे जब भी हमको जरूरत पड़ती है पंकज संघवी की, चाहे वो ड्रेनेज के पाइप की जरूरत हो, चाहे स्कूल में फ्री एडमिशन का मामला हो, या फिर स्वेटर बांटना है, बच्चों को बेड मॉल बांटना है, बहुत कापी किताबें बांटना है, किसी भी तरह से हर तरह की मदद वो हमारे क्षेत्र में आके करते हैं। और मैं तो किसी कीमत पे एहसान फरामोश नहीं हूं, उन्होंने मेरे वार्ड वालों पे एहसान करते हैं, क्योंकि मेरे कौम के लोग हैं, मेरे वार्ड के लोग हैं, जो मेरे वार्ड वालों के लिए खड़ा रहता है मैं उसके लिए खड़ी रहती हूँ। आप बार बार ऐसा क्यों कहती हूँ मेरी कौम के लोग हैं? पूरा हिंदुस्तान आपकी कौम है, पूरा इंदौर आपकी कौम है, ऐसा क्यों कहती हैं? नहीं, क्या केवल मुस्लिम ही आपकी कौम है? मैं इसका एक रीजन है सर, मैं जिस जगह से पार्षद हूँ ना वहां पर 95% लोग मुस्लिम है ना, और मेरी कौम के हैं, इसलिए मैं अभी फिलहाल उन्हीं का काम करवा रही हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। और अगर जो 5% गैर मुस्लिम उनके लिए आप कोई काम? नहीं नहीं, ये गलत है, उनके लिए भी आप महापौर जी से जाके पूछिए, उनकी जो भी समस्या होती है हम बराबर उनको लेकर यहाँ पर आते हैं महापौर के वहां पे, और उनको मतलब अभी एक खजराने में सिर्फ एक उर्दू स्कूल है, वो भी 8 तक के, वहां पे कोई सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम नहीं है। मैं लगातार 3.5 साल से अर्चना ट्रीटमेंट से लेके तो यहाँ पे गोपाल मालू जी सबको ये पत्र लिखती हूँ और कहती हूँ कि यहाँ एक हिंदी स्कूल होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे हिंदू भाई रहते हैं वो कहाँ पढ़ने जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। हम लोग कभी पक्षपात नहीं करते, हमारे लिए हिंदू और मुस्लिम सब बराबर हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये बताती हूँ कि अयोध्या कहलाने वाला क्षेत्र, 4 नंबर क्षेत्र, उसमें इकबाल खान साहब को इतने वोट मिले थे कि उसके बाद जितने भी लोगों ने चुनाव लड़ा वो कोई 35,000 से हारा, कोई 65,000 से, और मात्र 22-23,000 से इकबाल खान साहब हारे थे। तो वो उनसे जनता हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाई भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने सुना कि गरबा करते वक्त, गरबे के दौरान आप सहयोग करते हैं लोगों से काफी? नहीं नहीं, मदद करते हैं उन लोगों की
कि मैदान तैयार करना ऐसा भी काम। हाँ, जब गरबा होता है वहां पर, एक बंगाली कॉलोनी है, वो लोग हर साल गरबा करते हैं, तो हम उनके लिए एक टैंकर पानी का ले जाके खड़ा कर देते हैं, जो उनका मैदान है उसे साफ करवा देना, वहां से कचरा हटवा देना, और जो भी हमसे लाइट लगवा देना, जो भी वो सहयोग मांगते हैं हम उनका बराबर सहयोग करते हैं, हम कभी उनसे पक्षपात नहीं करते। राजनीति में आप कब से? मैं तो सर अभी 3.5 साल हुए मुझे पार्षद बने हुए, लेकिन मेरे पति पिछले 35 साल से राजनीति में हैं। मैं कभी, मुझे कोई पद या कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा उनको सपोर्ट करती रहती हूँ और समाज सेवा करती रहती हूँ घर में, जो भी घर में आप अपने पति की तैयारी करती हैं। तैयारी करवाती हूँ, और मुझसे जो बनता है घर में, लेडीज मुझसे मिलने आती है, औरतें, उनकी मदद करना, इस तरह के आप काम। मुस्लिम हैं, महिला हैं, इसका फायदा होता है क्या, महिलाएं आपके पास बेखौफ आ जाती हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा होता है। आप जाके देखेंगे 9 बजे से लेके तो 1:30 बजे तक के औरतें अभी भी आप जाके देखेंगे वहां इंतजार कर रही है मेरा। मैंने एक अपना छोटा केबिन बना रखा है, वहां अपना उनका सारा दुख दर्द सब सुनती हूँ, उनके कूपन बनवाना, उनकी गरीबी रेखा के कूपन में जो मदद है ये करना, जितना मुझसे हो सकता है उनके लिए मैं उनकी पूरी मदद करती हूँ। आपने क्या क्या काम करा है अपने वार्ड में अभी तक? सर मैंने, मेरे वार्ड की तो क्या आप मिसाल दे सकते हैं कि मेरे क्षेत्र के विधायक हैं महेंद्र हाड़िया जी, है ना, उन्होंने अपना आंकड़ा अभी बताया था बीच में कि उन्होंने पूरे वार्ड में 95 करोड़ 95 करोड़ के काम कराए, जबकि मैं आपको बता दूं कि 100 करोड़ तो हम लोग केंद्र से सिर्फ बिजली के लिए लेके आए हैं, और उसमें एक ग्रिड बन रही है और ट्रांसफार्मर लग रहे हैं 80, नए खंबे लग रहे हैं, नए पोल लग रहे हैं, तो 100 करोड़ तो हम सिर्फ केंद्र से लाए हैं, और 30-35 लाख का आंकड़ा हमारा निगम की तरफ से हो गया है, तो कुल मिला के 125 करोड़ के काम मेरे वार्ड में अकेले में हो गए हैं, जबकि पूरे पूरे विधानसभा में 95 लाख करोड़ के हुए हैं, और 125 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ मेरे वार्ड में पार हो गया। तो इस हिसाब से भी मैं वहां के अपने आप को बहुत प्रबल दावेदार मानती हूँ। यानी आपका ये दावा है कि आपने जो काम की, जितने राशि के काम करवाए, विधायक महेंद्र हाड़िया से अधिक के काम? जी पक्का पक्का भी पक्का। हाँ, इसका सबूत है मेरे पास, आप देख सकते हैं। क्या सबूत है उसके आपके पास? मेरे पास वहाँ के जो मंत्री हैं, जिन्होंने लाइट का एक क्या बोलना चाहिए भेजा है, हाँ। वो लेटर मेरे पास रखे हुए हैं, और बहुत सारे आप देखिए आके वहाँ पे केंद्र सरकार से ही मंजूर हुआ ये पैसा जो भी है। ऐसा कहते हैं लोग कि चुनाव आने के पहले कई दावेदार टिकट के उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें टिकट दो, और उन्हें ये लगता है कि अगर टिकट उन्हें मिल गया तो वो किसी पैसे वाले उम्मीदवार के सामने घुटना टेक देंगे, कहेंगे हाँ भाई मेरे बजाय इनको टिकट दो, और उनसे कैश नकद पैसा ले लेंगे। क्या ऐसा भी होता है? सर हमने तो ऐसा कभी नहीं करा है, लेकिन अगर जो लोग ये करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। ये सही मायने में जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, या तो लड़ो तो असली लड़ाई लड़ो कि हमें टिकट मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, और ये तो फिर वो एक बिजनेस हो गया समझ लीजिए, तो गलत बात है, ऐसा नहीं। गलत लोग ऐसा करते, कुछ लोग ऐसा काम करते होंगे, पर मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं आई। आप नगर निगम में आपने कौन कौन से मुद्दे बहुत जोर शोर से उठाए? अरे सर, नगर निगम में तो मैं बहुत पेंशन वालों का मुद्दा बहुत प्राथमिकता से उठाती हूँ, क्योंकि मैं वहां देखती हूँ मेरे वार्ड में जो बुजुर्ग लोग आते हैं वो इतने बूढ़े होते हैं, और 150 रुपए महीने की पेंशन के लिए वो सुबह से लेके 2-2 बजे तक के लाइन लगा के बैठे रहते हैं, और वो 150 रुपए के लिए आप देखिए, आप मैं तो आप यहाँ बोलना चाहूंगी कि आप मुख्यमंत्री जी जो बुजुर्गों पे एहसान कर रहे हैं, ये के 150 रुपए महीना उनको पेंशन दे रहे हैं, वो 1-2 टाइम चाय भी नहीं पी सकते उस 150 रुपए में, और वो 150 रुपए के लिए वो लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, और मेरा बहुत दिल दुखता है कि इनकी कम से कम 500 रुपए पेंशन होना चाहिए, और उसके साथ इतनी फॉर्मेलिटी उन्होंने लगा दी है, मूल निवासी लाना है तो पटवारी के साइन चाहिए, ये चाहिए। अब बताइए आप बूढ़े इंसान कहाँ भगेगा और कैसे डायरी बनवाएगा और कैसे क्या करेगा। दूसरी चीज है, मेरे वार्ड में इतने कुत्ते और सुअरों ने आतंक मचा रखा है, उसके लिए मैं लगातार मुद्दा उठाती रही हूं, पर किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, इतना बोलती हूं लोगों को काट रहे हैं कुत्ते, वो पीक परेशान कर रहे हैं, मस्जिदों में घुस जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, स्कूल के लिए लड़ाई लड़ रही हूं अभी, सड़कों के लिए, खैर ये है कि महापौर जी हमारी सुनते हैं, और खजराने में बहुत सारी सड़कें हैं और ड्रेनेज तो उन्होंने डलवा दिए, लाइटें भी बहुत सारी लगवा दी है, लेकिन कुछ काम अभी भी रह गए जिनको मैं। लोग कहते हैं खजराना में बिल्डर लॉबी बहुत एक्टिव है, बहुत निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो इसलिए चांदी है आपकी?
नहीं, मेरी काहे की चांदी है सर, उसके अंदर बिल्डर बिल्डर की बना रहे हैं। मैंने तो आप इसका थोड़े दिन पहले आप देखेंगे बहुत जोर शोर से ही मुद्दा उठाया था, जो अवैध कॉलोनी काट रहे थे, अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा उठाया मैंने वहां पर। उसका एक होर्डिंग भी हमने खजराने में लगाया था कि हमारे से पूछे बगैर अवैध कॉलोनियों में कोई भी प्लाट ना ले, और इस तरह से वो बिल्डर के ही हमारे दुश्मन भी हुए। बहुत सारी मुसीबतें आई लेकिन हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसकी पत्रकार वार्ता भी मैंने ली थी। तो मैं तो लगातार इन बिल्डरों के पीछे लगी रहती हूँ जो अवैध काम करते हैं। टिकटों की इतनी बंदर बात है, लोग कहते हैं कि दो बार दिग्विजय सिंह जी के राज में दो बार हुआ कि नगर निगम चुनाव में फ्री फॉर ऑल कर दिया गया, कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दिया और कहा जो चाहे वो खड़ा हो जाए। क्या ऐसा विधानसभा में भी होना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और टिकट बैठना चाहिए, और फिर कांग्रेसियों को भी चाहिए कि जिसको भी टिकट मिल जाए उससे दिल से उसका काम करें, उसकी पीठ में छुरा नहीं भोंकें। तो यहाँ पे भी आ सकती है कांग्रेस पार्टी, मगर जैसे आपने कहा कि अगर शेख हलीम साहब को टिकट मिलता है शतकुमार 5 से, तो आप आजाद नगर की तुलना में उससे ज्यादा वोट खदराना में दिलवाएंगे, ऐसा आपको लगता? हाँ, ऐसा लगता नहीं, मैं सचमुच ये करूंगी। अगर लेकिन टिकट नहीं मिले, वो नहीं चाहते? नहीं नहीं, टिकट ना मिले ये मैं नहीं चाहती हूँ। चाहते टिकट पंकज भाई को, टिकट पंकज भाई को मिले, क्योंकि पंकज भाई हमारे लिए हर मोड़ पे खड़े रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ा रीजन ये है कि 25 सालों से अर्जुन सिंह के ग्रुप के वो भी हैं, अर्जुन सिंह के ग्रुप के इकबाल खान साहब भी हैं, और अजय सिंह हमारे नेता हैं, और उनका ऊपर से ऑर्डर है कि हम पंकज सभी को सपोर्ट करें, इसलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकती हैं। मैं दर्शकों से तो बस यही बात कहना चाहती हूँ कि अभी आपने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कल परसों की न्यूज़ के इकबाल खान गद्दार हैं, तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि खजराना में रात को 2 बजे आए या 3 बजे भोपाल से भी अगर वो आते हैं, और 5-6 बजे रात को भी उन्हें कोई उठाने आता है कि हमें फलाना काम है इकबाल भाई चलो, तो वो उठ के चल पड़ते हैं। वो हर हर पल खड़े रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं खजराने वालों की मदद करने के लिए, पूरे इंदौर के मुसलमानों की मदद करने के लिए। फिर वो कहां से कौम के गद्दार हो गए? दूसरी बात एक ये, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अगर पार्षदों का साथ नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम पार्षदों का, तो मैं उनसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि अगर सब पार्षद एकजुट हैं तो फिर वो अश्विन जोशी के बजाय अनवर कादरी का टिकट क्यों नहीं मांगते हैं? और एक नंबर से रफीक खान साहब सरवर खान का टिकट क्यों नहीं मांगते हैं? तो अगर वो सब इस तरह से हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं तो वो लोग भी उनका साथ दें, अनवर कादरी का साथ दें, सरवर खान का साथ दें, उनका टिकट मांगे ना, हम पे ये इल्जाम क्यों? यानी बात पार्टी की नहीं हो रही है, पार्टी बात कौम की पे आ गई है, मुस्लिमों को वो टिकट दो, ऐसी बात हो रही है। मुस्लिमों को मतलब कांग्रेस से सही उम्मीदवार के बजाय मुस्लिमों को टिकट देने की मांग हो रही है। हाँ, ये गलत हो रहा है ना, भी मुस्लिम वो सही उम्मीदवार हमें। अब ऐसे इंसान को वाकई में, पहले ही तो आप देखिए सिर्फ एक पार्षद एक मात्र है ना इतने बड़े उसमें, और अगर गलत टिकट बट गए तो आगे भी हो सकता है फिर वो बंटाधार हो जाए कांग्रेस का। तो कम से कम सही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जीतने वाले व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी ना। वो हम कांग्रेसी तो हमारे लिए तो सबसे पहले कांग्रेस है। बिल्कुल सही फरमाया रूबीना इकबाल खान मैडम आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, अपने व्यस्त समय में से आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, या फिर आप चाहें तो YouTube पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं न्यूज मेकर्स डीजी न्यूज इंदौर लिख के, आप हमारे तमाम वीडियो वहां पर पाएंगे। इस कार्यक्रम के तमाम वीडियो आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।